नमस्कार, ताप्ती अर्जुन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की खास खबरें। बैतूल, सीसीएफ की प्रताड़ना मामले में महिला वन कर्मी मिली एसपी से, जांच के हुए आदेश, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिया आवेदन। सीसीएफ मोहन मीणा की प्रताड़ना के शिकार महिला वन कर्मियों ने आज दोपहर पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद से मुलाकात कर सीसीएफ मोहन मीणा द्वारा कार्यस्थल पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए सभी सबूतों के आधार पर मामला दर्ज करने की मांग करी। बैतूल, ग्राम भरकावाड़ी में नरेश गोरिया की हुई हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, एसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। बैतूल बाजार से 5 किलोमीटर दूर ग्राम भरकावाड़ी में नरेश गोरिया उम्र 45 वर्ष की नृशंस हत्या कर दी गई, जिसका खुलासा पुलिस कंट्रोल रूम में एसडीओपी नितेश पटेल ने किया। एसडीओपी ने बताया कि नरेश और युवक कमलेश ठाकुर में अनबन होते रहती थी। घटना वाले दिन भी आरोपी युवक ने शराब पी हुई थी और उसने नरेश को जान से मारने का प्लान बनाया। बैतूल, संविदा कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के चौथे दिन अस्पताल परिसर में लगाई झाड़ू, दिया कोरोना से बचाव का संदेश। 90% वेतनमान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे संविदा कर्मचारी संघ का आज विरोध प्रदर्शन का लगातार 11वां दिन है। वहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल का 4था दिन है। आज हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अस्पताल परिसर में झाड़ू लगाई। बैतूल में टवेरा वाहन में क्षमता से अधिक सदस्यों को बैठाकर दुल्हन को लेने जा रहे परिवार को पुलिस ने रोका, करी चालानी कार्रवाई। बैतूल के कोठी बाजार में टवेरा वाहन से एक परिवार दुल्हन को लेने के लिए रानीपुर इलाके की ओर जा रहा था। इस वाहन में क्षमता से अधिक लोग बैठे हुए थे, जिसको तत्काल ही पुलिस ने रोका और कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन के तहत वाहन चालक पर जुर्माना लगाया। बैतूल, बड़ोरा स्थित बेकरी की दुकान में हुई चोरी, चॉकलेट नमकीन सहित अन्य सामान लेकर चोर हुए रफू चक्कर। मामला जिला मुख्यालय का है, जहां पर बड़ोरा स्थित मंगल भवन के सामने एक बेकरी की दुकान में बीती रात अज्ञात व्यक्तियों ने दुकान के शटर का ताला तोड़कर दुकान के अंदर रखे सामान जैसे चॉकलेट नमकीन आदि को चुरा कर भाग गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे जब दुकान के संचालक को इस बारे में जानकारी लगी तो उन्होंने पाया कि ताला टूटा हुआ है और दुकान के अंदर का सामान बिखरा हुआ है। बैतूल, जानवरों के लिए रखे गए पानी से फल पर पानी छिड़कते हुए विक्रेता का सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल। बैतूल में एक फल फ्रूट विक्रेता द्वारा एक घर के सामने जानवरों के लिए रखे गए पीने के पानी को फल फ्रूट पर डालने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में जो लोकेशन दिखाई दे रही है वह जिला मुख्यालय के लिंक रोड इलाके की है। ताप्ती अर्जुन परिवार आप सभी से अनुरोध करता है कि आप फल और सब्जियों को अच्छी तरह धो करके खाएं। मुल्ताई, नगरकोट के पास बाइक फिसलने से युवक हुआ गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। मामला नगरकोट का है, जहां एक युवक अपनी पत्नी से मिलने के लिए बैतूल से निकला ही था और नगरकोट के पास अचानक बाइक के सामने कुत्ते के आ जाने से बाइक फिसल गई, जिससे उसके पैर और हाथ में चोटें आई। बैतूल, लोहिया वार्ड में आपसी रंजिश के चलते युवक पर चाकू से किया हमला, युवक को जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मामला 26 तारीख की देर शाम का है, जहां पर युवक पर उसी के रिश्तेदार ने पुरानी रंजिश के चलते चाकू से हमला कर दिया, जिसके कारण युवक के कान के पीछे चाकू लग गया और काफ़ी खून बह गया, जिसके बाद युवक को 108 के माध्यम से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल युवक का इलाज जारी है। मुल्ताई, भीड़भाड़ वाले स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए प्रशासन को भेंट किया सोडियम हाइपोक्लोराइड। कौशल विकास और रोजगार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हेमंत विजय राव देशमुख द्वारा गुरुवार को मुल्ताई और प्रभातपट्टन ब्लॉक के ग्रामीण अंचलों के साथ नगरीय क्षेत्र के मंदिर, शासकीय भवन सहित कोविड केयर सेंटर व अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों को सैनिटाइज करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड की 5 लीटर की 250 बोतल मतलब 1250 लीटर प्रशासन को सौंपी गई। मुल्ताई, छिंदवाड़ा हाईवे पर घाट पिपरिया के पास दो बाइक आपस में भिड़ी, दो लोग हुए घायल।
नेशनल हाईवे छिंदवाड़ा पर ग्राम घाट पिपरिया और घाट परासिया के बीच विपरीत दिशा से आ रही दो बाइक आपस में भिड़ गई। दुर्घटना में एक बाइक पर सवार दो लोग घायल हो गए, जिसमें 16 वर्षीय किशोर की हालत गंभीर है। वहीं दूसरी बाइक का चालक घटना के बाद बाइक लेकर फरार हो गया। मुल्ताई के भगत सिंह वार्ड में फर्जी तरीके से लैब का संचालन करने वाले युवक के खिलाफ FIR हुई दर्ज। मुल्ताई नगर में सरकारी अस्पताल के पास एक युवक द्वारा न्यू अल्फा माइक्रो लैब के नाम से फर्जी तरीके से लैब का संचालन किया जा रहा था। इस संबंध में जब मूल रूप से लैब का संचालन करने वाले छिंदवाड़ा के डेमोंस्ट्रेटर को पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत मुल्ताई थाने में करी। भैंसदेही वन परिक्षेत्र के ग्राम जामो में अवैध रूप से रखी सागौन की लकड़ी मामले में आरोपियों के ऊपर लगाया गया 32,000 रुपये का जुर्माना। भैंसदेही वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जामो में कुछ ही दिन पहले वन विभाग द्वारा छापेमार कार्रवाई कर अवैध रूप से रखे गए सागौन को जब्त करने का कार्य वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा किया गया था, जिसके चलते वन विभाग द्वारा जब्त की गई लकड़ी के ऊपर दोगुना जुर्माना लगाया गया है, जहां जुर्माने की राशि लगभग 32,000 है जो आरोपियों को वन विभाग में भरना होगा। भैंसदेही की ग्राम पंचायत धुड़िया नई के लहास गांव में आंधी तूफान और बारिश के चलते कई घरों की छतें उड़ी, हुआ भारी नुकसान। गांव में चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिला है, जहां तेज आंधी के बाद बारिश के चलते गाँव के कई लोगों के मकान की छत इस आंधी तूफान के चलते पूरी तरह से उड़ गई है। साथ ही कई गरीब परिवारों की छतें पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसके बाद से ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बैतूल, RSS की पहल, बसों में बनाया गया आरोग्य केंद्र, अब गांव-गांव में हो सकेगी जांच। गांव में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए RSS चलित आरोग्य केंद्र चलाएगी, जिसमें कोरोना के लिए गाँव में स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ उपचार के साथ दवाइयाँ देगा। शाहपुर, जनपद पंचायत शाहपुर के सभाकक्ष में कोरोना रोकथाम को लेकर वार्ड स्तरीय संकट प्रबंधन समिति के सदस्यों की SDM और CMO ने ली बैठक। इस बैठक में कोरोना की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई, साथ ही समिति के सदस्यों से अपील की गई है कि वह लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। शाहपुर, बरेठा घाट पर अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, ड्राइवर और हेल्पर को आई हल्की चोटें। शाहपुर थाने से मिली जानकारी के अनुसार बैतूल से नसरुल्लागंज की ओर जा रहा ट्रक बरेठा घाट पर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर को हल्की चोटें आई है। वहीं ट्रक पलटने से हाईवे पर किसी भी तरह का जाम लगने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। बैतूल जिले की 9 शराब दुकान समूहों की हुई नीलामी। जिले की शराब दुकानों की नीलामी इस बार अलग अलग समूहों में की गई, जिसमें से जिले के 19 मदिरा समूहों में से 9 समूहों की दुकानों की नीलामी हो गई। घोड़ा डोंगरी, कृषि विभाग से दिए मूंग के बीज की फसल में लगा पीला रोग। घोड़ा डोंगरी ब्लॉक में लगी मूंग की फसल में पीला रोग लग गया है, जिसे किसान परेशान हो गए। खास बात यह है कि उन्हीं किसानों की मूंग की फसल में रोग लगा है जिन्होंने कृषि विभाग से अनुदान पर मूंग का बीज लिया था। तो ये थी बैतूल जिले की खास खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस पर कमेंट करें और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।